दोस्तों, फेसबुक का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे करें। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फेसबुक का अकाउंट परमानेंटली डिलीट आप कैसे कर सकते हो। पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, यदि आपके काम की ना हो, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, और यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, ध्यान से आप चलते हैं डायरेक्ट पहले फेसबुक पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको फेसबुक ऑन कर लेना। फेसबुक ऑन करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको साइड में थ्री आइकन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थ्री आइकन के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे सबसे नीचे आपको दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप दोस्तों सेटिंग पर आ जाएंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट सेंटर के नीचे ही आपको पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा पर्सनल डिटेल, तो आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो आपको नीचे इसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन आएगा डिटेक्टिवेशन ऑफ डिलीशन, तो आपको नीचे वाले पर ही क्लिक कर देना होगा। आप जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे वाला अकाउंट जो है वो चूज़ कर ली, यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे वाले भी चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिलीट अकाउंट, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट। यदि आपको परमानेंट ही अकाउंट को डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन पूछ रहा है, नहीं रीज़न पूछ रहा है कि आपको रीज़न क्या देना है। मैं यहाँ पे कोई भी रीज़न दे सकता हूँ, एड से बहुत आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे रीज़न दे दिया। इसके बाद नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपके पास कंटिन्यू, आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू के बाद दोस्तों अब ये पासवर्ड मांग रहा है आपके अकाउंट, यानी कि आप ही हो, यानी जो आप हो कि जो अकाउंट डिलीट कर रहा है वो कंफर्म कर रहा है कि आप ही हो। तो यदि आपको पासवर्ड पता है तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पासवर्ड डाल देना है इस अकाउंट का। आप जैसे अकाउंट डालेंगे, मतलब यानी पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों लास्ट ऑप्शन आएगा अपने पास डिलीट अकाउंट का, जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे डिलीट अकाउंट, आपका अकाउंट पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको लॉगिन नहीं करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगा परमानेंटली अकाउंट, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको लॉगिन नहीं करना है ये वाला अकाउंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।